लाली आप क्या कर रही हो? देख लो लामूली के झुमके खा लूँ मैं। चलो मैं से ज्यादा बातें ना करो, मेरे शहतूत के पत्ते लेके आओ। इधर से शहतूत की टहनियाँ लेकर चलते हैं लाली के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार हमने जो कल ज़मीन तैयार की थी ना धनिया और पालक उगाने के लिए, उसके अंदर एक बार दोबारा से गोड़ी कर लेते हैं ताकि उसके अंदर अच्छी तरह से एरेशन हो जाए। तो यार मैंने गोड़ी कर लिया, बस अपने इसके अंदर क्यारियाँ बनाना रहती हैं, तो इंशाल्लाह क्यारियाँ बना के फिर इसके अंदर धनिया और पालक की काश्तकारी करेंगे। और यार मछलियों की ये अपडेट है, माशाल्लाह ये 12 की 12 जिंदा, और इनका जो ना मैंने 3 दफ़ा पानी चेंज कर दिया था, और टब के अंदर से ना इनको मैंने इस बाल्टी के अंदर शिफ्ट कर दिया था। तो यार अब इनको ना रोटी डालते हैं, छोटी मछलियों के लिए छोटी सी रोटी। तो यार बस इतनी काफ़ी, क्योंकि बाल्टी के अंदर पहले भी रोटी बची हुई थी। तो चले यार लाली को शहतूत खिलाते हैं। ये लो लाली, मज़े करो। इसका मुझे कंफर्म नहीं पता कि लसूड़े का पौधा या और किसी चीज़ का पौधा, तो इसको इधर से निकालते हैं और खेत के किनारे पर लगाते हैं। अगर लसूड़े का पौधा हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर हमारी लाली के काम आएगा। ज़मीन से पौधा निकालने का ना एक असूल होता है कि उसके चारों तरफ ना पहले एक गड्ढा बनाया जाता है ताकि ना उसका जो रूट बाल है वो डैमेज ना हो। तो कोशिश करते हैं ये इसका रूट बाल जो डैमेज ना हो, तो इंशाल्लाह निकल आएगा ये। तो यार जब भी आप ना ज़मीन से पौधा निकालते हैं तो उसके जब चारों तरफ गड्ढा बना लेते हैं तो उसको ना हिलाकर देखते हैं, अगर ये हिलता है तो समझ लें कि इसकी सारी रूट जो है ना वो रूट बॉल के अंदर आ चुके हैं, और अगर नहीं हिलता तो समझ लें जो इसकी रूट्स हैं अभी ज़मीन में रहती हैं। तो ये अभी हिल रहा है, लेकिन इसकी मज़ीद थोड़ी सी मिट्टी और निकाल लेता हूँ मैं ताकि पौधा ख़राब ना हो हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार ये पौधा जो है ना माशाल्लाह निकल आया, और इसकी रूट्स भी ना डैमेज नहीं हुई थी ज़्यादा। तो अब इसको चलते हैं और किसी खेत के किनारे पर लगाते हैं। तो इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए मैंने इस वाली जगह का इंतखाब किया, तो चलो इसको करते हैं इस जगह पर ट्रांसप्लांट। गार्डन मैंने बना लिया, तो अब इसके अंदर पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पौधा था ना माशाल्लाह ट्रांसप्लांट हो चुका है। तो चले देखते हैं इसकी ग्रोथ रुकती है या फिर यहीं से स्टार्ट होती है। तो यार पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं ना उसको पानी लाजमी दिया करते हैं, क्योंकि जो उसकी रूट्स होती हैं वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, तो पानी देने से वो कवर हो जाता है। तो मैं थोड़ा लेट हो गया था पानी देने से, तो इसकी जो पत्ते हैं वो लटक से गए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इसको पानी देते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा ये भी। पानी मैंने दे दिया, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएगा ये। तो यार आज ना माशाल्लाह से जुगनू को नया रस्सा पहनाया, और जो ये बोतल आप देख रहे हैं इसको छिक्की बोलते हैं। ये इसलिए पहनाया क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गया जुगनू मियाँ, ये ना मट्टी खाता है, तो मट्टी खाने से इसका पेट ना ख़राब हो जाए, इस वजह से ना इसको ये छिक्की पहना दी है। तो यार शाम का टाइम हो चुका है, तो अभी क्यारियाँ बनाकर और फटाफट से काश्त करते हैं धनिया और पालक को। यार क्यारी जो है मैंने तैयार कर लिया था, अब इसके अंदर धनिया और पालक के बीज लगाते हैं। तो यार ये जो धनिया के बीज होते हैं इनको हमेशा 2 टुकड़ों में तकसीम करके फिर लगाया जाता है, इससे ये होता है कि इनकी जो जर्मिनेशन है वो ईजिली स्टार्ट हो जाती है। और इसको 2 टुकड़ों में तकसीम करने का आसान तरीका ये है कि इसको अपने हाथ में रखना और ऐसे रब करना, तो ये ना ईजिली 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएंगे। तो यार धनिया के बीजों को मैंने 2 टुकड़ों में तकसीम कर लिया, तो अब इनको ना क्यारी में लगाते हैं। तो यार धनिया के बीजों को लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोगों ने क्या करना, सिर्फ एक चुटकी धनिया के बीज लेने और उसके बाद आपने ज़मीन के अंदर ऐसे गहराई में लगाकर और ऊपर से मिट्टी दे देनी है। तो यार इसी तरह ना मैं धनिया के सारे बीज ना अपनी क्यारी में लगा दूंगा। तो यार धनिया के बीज जो मैंने काश्त कर लिया, अब ना पालक के बीज काश्त करते हैं। तो यार पालक के बीज ना कुछ इस तरह के होते हैं, और ये जो पालक के बीज है ना मैंने जो पिछले साल पालक काश्त की थी उसी को पका कर ये बीज तैयार किए हैं, यानी कि घर के ऑर्गेनिक बीज हैं। तो चले यार पालक के बीजों को भी काश्त करते हैं। तो यार पालक के बीजों को भी ना सेम उसी तरीके से काश्त करते हैं जैसे
धनिया के बीजों को काश्त करते हैं। सिर्फ एक चुटकी पालक के बीज उठाने और आपने इस तरह लगाते आना है। तो यार बीज लगाने के बाद ना हम इनको पानी लगाते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।